हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है माय स्मार्ट बिहार के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार की डेली ब्रेकिंग न्यूज 25 ताज़ा खबर हर एक सुबह मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ के सुकमा में सीआरपीएफ जवान ने अपने साथियों पर AK-47 से फायरिंग कर दी। घटना में 4 जवानों की मौत हो गई है। इनमें रोहतास जिले के संझौली थाना अंतर्गत गरुड़ा ग्राम के निवासी धर्मेंद्र सिंह भी शामिल हैं। वह छठ पर्व पर घर आने वाले थे। पत्नी बच्चों को सासाराम से लेकर सुबह पैतृक गाँव चली गई थी। घर पहुंचने पर उनकी पत्नी के मोबाइल पर धर्मेंद्र की मौत की खबर आते ही छठ पूजा का सारा उत्साह मातम में बदल गया। नवादा में पारिवारिक विवाद में पति ने पत्नी और बेटे की हत्या कर दी। घटना नारदीगंज थाना क्षेत्र की परमा पंचायत के पनछक्का गांव की है। और बताया गया कि 1.5 साल पहले बेटी ने अपनी मर्जी से युवक से शादी की थी। दोनों ने प्रेम विवाह किया था, लेकिन रात दोनों के बीच विवाद हो गया। इस पर बलिराम ने बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद 3 माह का जब बेटा रोने लगा तो उसका भी गला दबा दिया। अगली खबर, अभी लोकसभा चुनाव में होने में 2.5 साल का वक्त बाकी है, लेकिन बीजेपी अभी से इसकी तैयारी में जुट चुकी है। दिल्ली में हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद ये संकेत मिलने शुरू हो गए। बिहार बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। अभी से ही बीजेपी संगठन को चुनाव के लिए तैयार किया जा रहा। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की वर्चुअल बैठक में शामिल बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बताया कि बीजेपी बूथ अध्यक्ष कमेटी और पन्ना प्रमुख बनाने के लक्ष्य पर जोर शोर से काम करेगी। बिहार बीजेपी ने प्रमुख लक्ष्य निर्धारित कर लिया है। इसके मुताबिक 6 अप्रैल 2022 तक हर बूथ पर पन्ना प्रमुख बनाने के लक्ष्य पर पूरी मजबूती से काम किया जाएगा। बक्सर जिले में थर्मल पावर प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा, लेकिन निर्माण के बाद इसको बिजली उगलने के लिए कोयले जैसे कच्चे माल की जरूरत पड़ेगी। कोयले को थर्मल पावर परिसर में पहुंचाने के लिए रेलवे कॉरिडोर बनना है। इसके लिए होने वाले भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना जारी कर दी गई है। कॉरिडोर बनाने के लिए पटरी बिछाने की सामग्री भी चौसा के आसपास लीज पर जमीन लेकर स्टोर कर दी गई। जिला भू अर्जन कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार चौसा क्षेत्र के 14 गाँवों के मौजों के 137 एकड़ भूमि में रेल कॉरिडोर हेतु रेल लाइन बिछाई गई है। इसका मतलब 55 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण की जाएगी। इसके अंतर्गत 14 गांव के मौजे के तहत कुल 309 किसानों की भूमि की अधिसूचना निकाली गई। अगली खबर, छपरा जेल में किन्नर और मुस्लिम महिला करेंगी छठ। छपरा में आस्था का महापर्व छठ को लेकर चारों तरफ धूम है। इस तरह से लेकर गांव और देश से विदेश तक छठ महापर्व का अनुष्ठान शुरू हो गया है। छपरा के मंडल कारा में भी छठ त्यौहार नहाए खाए के साथ शुरू हो गया है। जेल में बंद कुल 60 कैदी छठ व्रत कर रहे, जिसमें 35 महिला, 24 पुरुष जबकि 1 अन्य कैदी है। महिला कैदी में 1 मुस्लिम महिला भी छठ व्रत कर रही। छपरा जेल में बंद किन्नर कैदी नितिन कुमार उर्फ काजल पांडे भी छठ व्रत कर रही। अगली खबर, खगड़िया में शराब माफियाओं के खिलाफ चला अभियान। जहरीली शराब से हो रही मौत के बाद खगड़िया प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। DMSP ने शराब माफियाओं पर नकेल कसते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए विदेशी और देसी शराब की बरामदगी की गई है। साथ ही देसी शराब बनाने की भट्टियों को नष्ट किया गया है। वहीं इस अभियान के तहत कई लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है। शराब माफियाओं पर नकेल कसने को लेकर SP अमितेश कुमार ने कई थाना क्षेत्र में चौकीदारों की परेड कराई। SP ने स्पष्ट कहा कि जिस भी थाना क्षेत्र से शराब बिकने की शिकायत और बरामदगी होगी, वहां के थानाध्यक्ष के साथ चौकीदार भी दोषी माने जाएंगे। समस्तीपुर के प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन डॉक्टर विशाल कुमार लापता 3 दिन पहले क्लिनिक के लिए निकले थे। वापस नहीं लौटने पर पिता ने दर्ज कराई रिपोर्ट। समस्तीपुर के प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन डॉक्टर विशाल बरमाली बीते 3 दिन से लापता हैं। इसको लेकर उनके पिता ने मुफस्सिल थाना में आवेदन दिया है। और मेरी जानकारी के अनुसार शहर के सोनवर्षा मोहल्ला में रहने वाले जाने माने न्यूरोसर्जन डॉक्टर विशाल बरमाली अपने घर से हॉस्पिटल रोड स्थित अपने निजी क्लिनिक के लिए निकले थे, लेकिन देर शाम तक वापस घर नहीं लौटे हैं। अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाने वाला कुटीर उद्योग सरकार की उपेक्षा एवं औद्योगिक क्रांति के कारण चौपट है। बाजार में आधुनिकता के कारण तरह तरह की धातु के सूप दौरा आदि मिलने से श्रद्धालु पुरानी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। इसका खामियाजा मल्लिक समाज के लोगों को भुगतना पड़ रहा। बांस की बढ़ी हुई कीमत सूप दौरा बनाने वालों को रुला रही। एक तरफ मल्लिक समाज सबके सुख दुख में काम आता है, लेकिन उनकी खुद की जिंदगी बोझ बन गई है। अगली खबर, जमुई में महुआ शराब पीते पकड़ाया बीजेपी नेता। जमुई के चकाई पुलिस ने शराब पीने के आरोप में भाजपा नेता भगवान पांडे समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। भगवान पांडे भाजपा जमुई जिला सोशल मीडिया IT सेल का जिला संयोजक है। वह चकाई बाजार से सटे खास चकाई गांव का निवासी है। भाजपा नेता समेत 2 अन्य लोगों को
गोला गांव के समीप से गिरफ्तार किया गया। सकाई थानाध्यक्ष राजीव कुमार तिवारी ने बताया कि गोला गांव के पास कुछ लोगों के शराब पीने की गुप्त सूचना मिली थी। छापेमारी में भाजपा नेता समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर पुलिस सकाई थाने लेकर आई है। ब्रीथ एनालाइजर से जांच में तीनों के शराब होने की पुष्टि हुई है। अगली खबर, बिहार में शिक्षक पर्व मनाने को लेकर केंद्र सरकार से मिले निर्देश के बाद राज्य सरकार ने बिहार के सरकारी और निजी स्कूलों के टैलेंटेड शिक्षकों की खोज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। इन शिक्षकों को चिन्हित करने के लिए राज्य स्तर पर नोडल प्राधिकारी बनाए गए। जिला स्तर पर बनने वाली कमेटी के अध्यक्ष DO होंगे। इसमें एक राज्य का प्रतिनिधि और एक DM द्वारा नामित शिक्षाविद होंगे। राज्य स्तरीय कमेटी के अध्यक्ष शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं। शिक्षा विभाग के अपर सचिव संजय कुमार ने कहा कि राज्य के सभी जिलों के DEO को इससे जुड़ा विस्तृत दिशा निर्देश भेजा है। इसके तहत नई शिक्षा नीति 2020 द्वारा चिन्हित किए गए सभी 10 विषयों में पहले जिला और उसके बाद राज्य स्तर पर शिक्षकों का चयन किया जाएगा। इन शिक्षकों की प्रतिभा, उनके सीखने की प्रक्रिया और उनके द्वारा किए गए शिक्षा से जुड़े इनोवेशन को मान्यता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर NCERT द्वारा नेशनल टीचर्स रिसोर्स रिपोजिटरी बनाया जाएगा। अगली खबर, छठ करने वाले 31 पुलिसकर्मियों को मिली छुट्टी। मुजफ्फरपुर में SSP ने दी 9 से 11 नवंबर तक छुट्टी। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा शुरू हो चुका है और SSP मुजफ्फरपुर ने 9 लोगों को छुट्टी दी है। इसमें 31 थानेदार हैं। इसके अलावा सभी थानेदार और शाखा प्रभारी को 12 नवंबर की सुबह 8 बजे तक SSP के गोपनीय कार्यालय को देनी होगी। इसकी जानकारी SSP ने वायरलेस के माध्यम से सरैया SDPO और सभी DSP को दी है। तो दोस्तों, बिहार की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जैसे कि आपको बिहार की डेली ब्रेकिंग न्यूज़ 25 ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे।